गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं बच्चों आप लोग सभी? मॉर्निंग सर। अच्छे हैं सर। अच्छे हो सर। बढ़िया सर। बढ़िया। ओके। अच्छा इसके बाद कौन सी क्लास होती है आपकी? किसी की भी नहीं सर। किसी की नहीं होती। अरे नालायक हो, किसी की नहीं होती, खुद की क्लास लगा लिया करो। नहीं होती। खुद की क्लास लगाया करो आप लोग, ठीक है ना? रोजाना अपने आप को अपडेट करोगे। ओके सर। और रोजाना अपडेट करके चेक करो कि आप लोग को खुद कितना कवर कर रहे हो, ठीक है? अब देखो ज्यादा समय ना खराब करते हुए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्लास चालू कर रहे हो ना, ठीक है? अब देखो आज का पॉइंट हमारा क्या है, पहले हम लोग, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर उसके आगे हम बढ़ते, ठीक है? जल्दी से आप लिखो एक दो क्वेश्चन जल्दी। देखो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैंने आपको स्टेप बताए थे, हालांकि वो पॉइंट वो कल आएगा, लेकिन आपके समझ आ गया कि लैंगिक जनन के तीन चरण होते हैं। ये पता आ सकता है लैंगिक जनन को कितने चरणों में बांटा गया? नंबर वन। नंबर टू, लैंगिक और अलैंगिक जनन में प्रमुख अंतर। नंबर तीन, नंबर तीन, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं, मैंने बता दिया। अच्छा, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनक से हूबहू होती है क्या? ओके तो नहीं तो क्यों? तो आप बोलोगे कि लैंगिक जनन में दो जनकों का समावेश होता है और दोनों जनकों की अगुणित कोशिकाएं, बच्चों कौन सी कोशिकाएं? अगुणित कोशिकाएं, जिन्हें युग्मक कहते हैं, अगुणित कोशिकाएं भाग लेती है। नर युग्मक को क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? अंडाणु। ये हम आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों एक दो बच्चे अपने वीडियो को चालू कीजिए, आप लोग एक दो बच्चे अपने वीडियो को चालू कर लीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे कि यहां सब पढ़ रहे हैं। नहीं, बाकी पता डिप्ले सैनी, पूजा, निर्मल दरिया, प्रेरणा पर। अच्छा प्रेरणा आपके वो नंबर जोड़ दी बेटा व्हाट्सएप पर, तो आपने दो नंबर सेंड किया? दो नंबर सेंड क्यों किया आपने? नहीं सर, एक ही किए थे। दो नंबर सेंड किए थे आप, चेक करना, मैंने जोड़ तो दी ना वो व्हाट्सएप पर ट्रोल पे। हाँ सर। एक बच्चे ने और पर्सन पूछा था मेरे से, कौन सा बच्चा है? एक बच्चे ने आंसर पूछा था ना कौन से क्वेश्चन का, बच्चों आपने किसे पूछा था पर्सन? किसी ने एपिडर्मिस का पूछा था ना, अधिचर्म क्या है? यस सर। वो होता है अंत, उसमें मैंने बताया था आपको, याद हो तो आपको, क्या बोलते माइकोराइजा। कवक मूल दो प्रकार के होते हैं, अंत कवक मूल और बाह्य कवक मूल। जे उर्वरक भूल के देखते हो? अरे जे जीवाणु तो बताया था मैंने आपको, राइजो भी है, नीले सेवाल बताए थे, और वहां लिखा कवक मूल थे ना। ये प्रश्न था कि तीन चार जैव उर्वरकों का नाम बताओ। तो जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव कौन से काम करते हैं? एक तो काम करता है सहजीव जीवाणु, एक करते हैं असहजीव जीवाणु, और एक करते हैं नीलरी शैवाल, और एक करते हैं कवक मूल। तो कवक मूल दो प्रकार के होते हैं। कवक मूल अपने आप में जीवन का कौन सा संबंध है? सहजीवी। और यह संबंध किसके बीच बनता है? उच्च कुल के पादपों की जड़ों और कवक। मैं फिर कह रहा हूं, प्रकृति में किसी ना किसी सजीव का किसी ना किसी प्रकार की अनोनी क्रिया होती है, और प्रकृति में दो सजीवों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया दो प्रकार की होती है बच्चों। एक होती धनात्मक, एक होती ऋणात्मक। धनात्मक का अर्थ होता है कि दोनों को उस क्रिया से लाभ मिले, समझ आ रहा है? और ऋणात्मक का अर्थ होता है, जैसे मैंने बोला, ध्यान दो बच्चों, देखो अगर दो व्यक्ति, दो मानव, मैं कह रहा हूं दो, आप ही ले लो बच्चों, आपके और मेरे बीच, आपके और आपके टीचर के बीच का ये जो कोरिलेशन है जिसमें हम लोग इंट्रेक्शन कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, और क्रिया का नाम क्या बच्चों? स्टडी कर रहे हैं। तो मुझे बताओ इस स्टडी करने के प्रोसेस से किसको लाभ हो रहा है, किसको हानि हो रही है? लाभ किसको हो रहा है? दोनों को हो रहा है ना? यस सर। यस सर। तो दोनों को लाभ हो रहा है, दोनों को लाभ हो रहा है। आप सुनो, क्योंकि आपको भी लाभ हो रहा है, मुझे भी, मुझे लाभ कैसे हो रहा है? मेरा सिलेबस अपडेट हो रहा है और मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, अच्छा रिजल्ट जाता है, अच्छा रिजल्ट जाएगा तो स्कूल की पॉपुलर बढ़ेगी, आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा, आपको फायदा होगा, आपको अच्छे कोर्स मेट मिलेगा, और हमारे स्कूल में दो चार पांच दस बीस बच्चे बढ़ेंगे। तो फायदा किसको हुआ? दोनों को हुआ। अब एक उदाहरण देखो, एक उदाहरण देखो, अगर माना जा रहा है एक आदमी दूसरे आदमी को मार दे, मानव मानव मार दे, जो रोज हम देखते हैं, तो बताओ बताओ एक को क्या हुआ हानि और एक को क्या हुआ लाभ हुआ? मारते ना दोनों। बच्चों समझ आ रहा है क्या? यस सर। तो प्रकृति में दो सजीवों के बीच होने वाली
पारस्परिक क्रिया को बोलते हैं, इंट्रैक्शन क्रिया बोलते हैं, जो दो प्रकार के धनात्मक ऋणात्मक। तो कवक मूल कौन सी क्रिया है? सहजीवी क्रिया, जिसमें कवक को भी क्या मिल रहा है? लाभ, और उस पादप की जड़ को भी क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। और कवक मूल दो प्रकार बताया मैंने आपको, अंत और बाह्य। तो अंतःकार तो बता दिया था कि जब कोई कवक, यानी कोई कवक किसी पादप की जड़ के बाहर ही पाया जाए, एपिडर्मिस पर ही रहे, एपिडर्मिस के लिपट जाए और वहीं रहकर पोषण और आश्रय प्राप्त करे, ठीक है, तो वो कौन सा है? बाह्य कवक मूल। और अंतःकवक मूल क्या होगा? जब किसी कोई कवक किसी पादप की जड़ के अधिचर्म में, क्योंकि जड़ के चारों पाद जैसे हमारे शरीर में, बच्चों शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारा कौन है? त्वचा ही है। तो त्वचा की बाह्य आवरण का नाम क्या है? एपिडर्मिस। तो ठीक उसी प्रकार पादपों के जड़ तना और पत्ती, जड़ तना और पत्ती पर भी जो बाहरी आवरण होता है बच्चों, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, अधिचर्म, ठीक है। तो किसी ने पूछा था सर ये अधिचर्म क्या है, तो मैंने बोला था, वो बताया था कि किसी पादप या जंतु के शरीर के बाहर पाया जाने वाला सबसे बाहरी आवरण या प्रत को एपी या बाह्य चर्म कहते हैं, ठीक है। अरे समझ आ रहा है क्या? ठीक है, अब बच्चों एक दो बच्चे अपने वीडियो को चालू करो, नहीं तो तुम्हारी क्लास समझ नहीं आएगी मेरे को। धार्मिक खांडल, विश्वनाथ, अंकित मीणा, ठीक है, एक दो बच्चे केवल, ये नहीं, मैं सबकी, हालांकि जो क्लास में हम सब चाहते हैं कि आप लोग फेस टू फेस बैठे और क्लास समझ में आए, लेकिन यहाँ तो संभव नहीं है, लेकिन एक दो बच्चे तो अपन कर सकते हैं। डिप्लेस, निर्मल दरिया छिप गया, नीतू, ये जो जानबूझ के वो छिप जाते हैं, चलो ठीक है, मोनिका प्रजापत, चलो क्लास को चालू करते हम लोग। ओके निर्मल आ गया, ओके ठीक है, आप जो ध्यान दो विश्राम। अब जो आज का टॉपिक हमारा क्या है? मेथड ऑफ अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विधियां। तो मैं इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं बता चुका हूं, पहला बच्चों पहला प्रकार है खंडन, ओके बच्चों, पहला प्रकार है खंडन, जिसे बोलते हैं बाय फिशन। अब देखो बच्चों ध्यान सुनना, पहली बात तो देखो अलैंगिक जनन हमेशा होता किसमें? लोअर ऑर्गेनिज्म, ये निम्न वर्ग के प्राणी में, ये लिख लोगे मेरे साथ साथ, निम्न वर्ग के जीवों में होता है, ओके बच्चों। अब बात जान लो, खंडन जो है इसका मतलब बहुत सिंपल बोल रहा हूं, और अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, और अलैंगिक जनन में या तो जान दो, अलैंगिक जनन में या तो कोई सजीव का पूरा शरीर या उसका कोई कोशिका या उसका कोई भाग या उसका खंड भाग लेता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अलैंगिक जनन में कभी कभार क्या होता है कि अलैंगिक जनन करने वाला कोई सजीव जैसे अमीबा है या बैक्टीरिया है या पैरामीशियम है या युग्लिन है, ये स्वयं कितने कोशिकीय हैं? एक। तो कभी बार क्या होता है बच्चों, ये जब जनन करते हैं तो इनका पूरा शरीर मतलब इनकी पूरी कोशिका अलैंगिक जनन में भाग लेती है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में किसी भी जनक का या तो संपूर्ण शरीर या उसका कोई भाग या उसका कोई टुकड़ा या उसकी कोई कोशिका भाग ले सकती है। तो क्या अलैंगिक जनन में क्या, मैं फिर कह रहा हूं कि अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन करने वाले सजीव का पूरा शरीर उसमें भाग ले सकता है क्या? मैं बोलूंगा यस। एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, अभी आप देखेंगे ठीक है। तो आप इसको ध्यान आराम समझे, तो अलैंगिक जनन का पहला प्रकार खंडन का मैं समझा रहा हूं, खंडन का अर्थ सुन आ रहा होगा टूटना, फिसल, जब कोई जनक कोशिका, जब कोई यानी इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका दो या दो से अधिक टुकड़ों में या भागों में टूट जाए और प्रत्येक भाग या प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके एक नवीन संतति में बदल जाए या नवीन संतति में परिवर्तित हो जाए, इस प्रकार के अलैंगिक जनन को खंडन कहते हैं। निर्मल समझ आ रहा है? बहुत सिंपल बता। इस प्रकार के जनन में कहीं कोई अर्थ विभाजन हुआ? नहीं। क्या कहीं पर युग्म बने? नहीं। क्या कोई निषेचन क्रिया हुई? नहीं। तो ये बिल्कुल बिना किसी यानी सिंप्लेक्स टाइप का, यानी इट इज ए वेरी सिंप्लेक्स टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन, इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सबसे सिंपल प्रकार के और समय कम लगता है। अब देखो खंडन का अर्थ आप समझ गए होंगे, टूटना, ओके बच्चों। और इसको क्या समझाऊं? देखो ये ध्यान दो, मैंने बताया ये आपकी युग कह सकते हैं, ये अमीबा कोशिका, ये अमीबा दिख रहा होगा, ये अमीबा कोशिका के अंदर ये इसका कौन है बच्चों? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। और अमीबा में अमीबा इज ए यूकेरियोटिक सेल, अमीबा कौन है? यूकेरियोटिक है। तो यूकेरियोटिक का तो इसका केंद्रक भी कैसा होगा? विकसित होगा, होगा ना, क्योंकि प्रोकेरियोटिक कोशिका में तो केंद्रक क्या कहलाता है?
नग्न कहलाता है, जीनोफोर या केंद्रकाव कहलाता है, जो मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था अगर आपको याद हो तो वीडियो में, ठीक है। तो ये अमीबा कोशिका, और ये कितनी कोशिका है, एक। और इस जनन में कौन भाग ले रहा है, पूरा का पूरा अमीबा भाग ले रहा है, यानी ये पूरा अमीबा भाग ले रहा है, मतलब पूरा जनक भाग ले रहा है, इसका कोई भाग भाग नहीं ले रहा। अब इस अमीबा कोशिका में बच्चों ध्यान दो, अब इस अमीबा कोशिका के जो क्या है, ये दिख रहा है, ये केंद्र बच्चों केंद्रक है, और ये हम जानते हैं ये अमीबा है, ठीक है, ओके। अब देखो इस अमीबा कोश, और ये इसकी कौन, इसकी ये इसकी वैक्यूल्स है, सब जानते हैं इस बात नहीं, वैक्यूल गैस लिखती का खारी थे जो भी, और ये सब चीज़ ओके। अब अमीबा कोशिका में बच्चों ध्यान दो, ये कोशिका का केंद्रक क्या होगा, विभाजन करें, और कौन सा विभाजन करें बच्चों, संसूत्र, ध्यान से सुनना, केंद्रक 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 में कौन सा विभाजन, संसूत्र। और ये बात मैं बता चुका हूं कि अलैंगिक जनन में हमेशा कौन सा विभाजन होगा, या तो होगा माइटोसिस या फिर होगा एमाइटोसिस, बच्चों या तो कौन सा होगा, समसूत्री या फिर क्या होगा, असूत्री। असूत्री क्या होता है, पहले सुन लो, असूत्री पहले सुन लो, वह कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों का विभाजन या केंद्र का विभाजन नहीं होता, केंद्रक दो टुकड़ों में बट जाता है। जैसे कैसे बढ़ता है, जैसे हमारे घर में बच्चों, जैसे माना जा रहा है कि आपके आपके खेत के अंदर 5 बोरी अनाज हुई, राइट, अब उस 5 बोरी अनाज को आपको 2 जगह बांटना है, तो उसकी क्या करोगे, 2 ढेर कर लोगे, करते हो ना, क्या गेहूं के एक एक दाने को उठ के चुनोगे क्या, वही तुरे एक दाना ज्यादा नहीं चला जाए, तो अंदाजन से क्या करते हैं, दो भाग कर लेते हैं, करते ना घर में, या फिर चलो ठीक एक और बता रहा हूं, चलो एक तरीका और है, हमारे घर में माना जा रहा है कि बच्चों आपके घर में कोई मिठाई आई, तो मिठाई वहां पर माना जा रहा है मिठाई के फीस आगे 40, तो 40 में से मेरा जैसा आप में से कोई भी जाकर माना एक दो खा गया, तो अब जो बच गई 38 या 39 पीस बच गए, तो उनको 2 जगह बांटने हैं, तो उनको आप बिल्कुल बराबर बांटोगे या अंदाज से बांटोगे, बराबर, या फिर दुपर तराजू में क्या होगे, भाई एक टुकड़ा भी ज्यादा नहीं चला जाए, चाची के ज्यादा नहीं चला जाए, तो हम लोग एवरेज बांटते हैं, ठीक है। तो असूत्री विभाजन में गुणसूत्र का या आनुवंशिक पदार्थ का विभाजन होता है, उसमें गुणसूत्र का या केंद्र का विभाजन नहीं होता, सुन लो, किसी प्रकार का कोई प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज अवस्थाएं नहीं होती, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, असूत्री। और असूत्री विभाजन किन में पाए जाते हैं, निम्न वर्ग में, निम्न जैसे बैक्टीरिया, ओके, ड्यूरिन टू ड्यूरिन, या अगर बात हम करते ड्यूरिन एट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दिमाग बैठा लेना, ओके। लेकिन यहां पर अमीबा में कौन सा विभाजन हो रहा है, संसूत्री। अब देखो संसूत्री और किस में, केंद्रक में, हटा दो मैं, अब इस बार क्या होगा, अमीबा नामक कोशिका के, अमीबा कोशिका के अंदर जो केंद्र दिख रहा है, बच्चों ध्यान दो, ये केंद्रक 2 भागों में बढ़ गया, यानी एक केंद्र कितने केंद्र बन गए, 2, बस समझ आ रहा है, यानी एक कोशिका में कितने केंद्र बन गए, 2, क्योंकि हम जानते हैं कोशिका विभाजन में सबसे पहले किसका विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन, और उसके बाद क्या होता है, कोशिका द्वारा विभाजन। तो यदि कोई कोशिका का कोशिका दरों का विभाजन नहीं और केंद्र का विभाजन हो, सुनना इसको, और एक केंद्रक में और विभाजन हमेशा किसमें होता है बच्चों, समसूत्री और असूत्री, किसमें होता है, केंद्रक में विभाजन में होता है, कोशिका में नहीं होता। हम बोलते जरूर हैं कि कोशिका विभाजन, जबकि केंद्रक के विभाजन को ही हम समसूत्री और असूत्री बोलते हैं। तो केंद्रक विभाजन होने पर एक केंद्रक से कितने बन गए, 2 पुत्री केंद्रक, यानी अमीबा का या डीएनए, अमीबा का डीएनए, केंद्र मतलब डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, ठीक है। तो आनुवंशिक पदार्थ 2 भागों में बढ़ गया, ओके, तो अमीबा में कितने केंद्र हो गए, 2। अब इसके बाद क्या होगा, इस अमीबा कोशिका के कोशिका दरों में एक निश्चित तल में या तो अनुप्रस्थ, अरे बच्चों या तो अनुप्रस्थ, ऐसे अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बताया था ना, अनुप्रस्थ या फिर लॉन्जिट्यूडिनल, किसी ना किसी तल में क्या हो, कोश दर का विभाजन हो, और ये विभाजन माना जा रहा है ऐसे होगा, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे यहां पर, यानी कैसे हो गया, एलएस, और विभाजन होने से इस अमीबा कोशिका का कोश दर 2 भाग बढ़ गया, और इस प्रकार से आप देखोगे दो छोटे छोटे अमीबा का विकास हो। अब मैंने पूछा इस मात्र कोशिका, इस पूरी कोशिका, इस कोशिका के नाम आपने क्या बोल दिया, पेरेंट कोशिका, पेरेंट बोल दो, या भी बोलोगे मात्र कोशिका, मात्र यानी मदर। अब मात्र का अर्थ यहां पर कई बच्चे, मात्र का मतलब ओनली वाला मात्र नहीं, मात्र यानी मां, कई बच्चे सोचते हैं मात्र ओनली वाला, ओनली वाला होता है मात्र, पुत्र होता है ये मात्र है, ठीक है। तो इस मात्र कोशिका से कितने अमीबा पैदा हुए, 2, कितने हुए, 2,
और दोनों अमीबा, क्या दोनों अमीबा दे, अभी दोनों अमीबा वर्दी, अभी दोनों अमीबा क्या करेंगे बच्चों? अरे वर्दी करेंगे ना, और वर्दी करके इनका आकार अपने जनक आकार, यानी ये आपस में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो ये दोनों अमीबा, यानी दोनों अमीबा का विकास किससे हुआ? इससे, क्योंकि इस अमीबा यानी इस मात्र अमीबा कोशिका यहां पर क्या हुई, पूरी तरह से नष्ट होकर, क्या होकर, नष्ट होकर, यानी इस मात्र कोशिका ने अपने आप को तोड़कर, दो भागों में तोड़कर, खंडन करके अपने दो संतान जन्म दिया। तो क्या यहां पर ये जनक कोशिका अपना 100% बलिदान दे रही है क्या? मैं बोलूंगा हाँ। नहीं आया? नहीं सर। नहीं समझा? अरे यहाँ पर अमीबा कोशिका से कितने कोशिका पैदा हुई? दो ही ना, और कौन से विभाजन? संसूत्री। तो सिंपल क्या हो रहा है कि एक कोशिका से संसूत्री विभाजन से कितने कोशिका पैदा होती है? दो। तो बच्चों वही अपने आप में क्या है, अलैंगिक जनन है, क्योंकि यहां पर एक कोशिका से दो कोशिका बने। और मैंने कहा वो एक कोशिका कौन? अमीबा। जैसे हम है, हम तो बहुकोशिका हैं, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि लैंगिक जनन में क्या, लैंगिक जनन करने वाले जनक अपने संतान को जन्म देते ही क्या मर जाते हैं क्या? अगर ऐसा है ना बच्चों, तो धरती के ऊपर कोई भी माता पिता बच्चों को जन्म ही नहीं देगा। वो उन्हें लगेगा यार उनको जन्म देने वाले हम क्यों मरे। नहीं समझ आ रहा? यस सर। समझ आ रहा है क्या थोड़ा आयुष? यस सर। यहाँ पर अमीबा कोशिका, अमीबा कोशिका पूरी तरह से नष्ट होकर किनको जन्म दे रही? इन दोनों को। और ये दोनों कौन है? ये दोनों कौन है? संतति अमीबा, पुत्री अमीबा, पुत्री है ना? किसकी पुत्री? यस सर। किसकी संतान? किसकी? तो फिर मैं बोला ये कहाँ है अमीबा? ये कहाँ है? ये नष्ट हो गई। तो इसने नष्ट होकर अपना बलिदान देकर इनको जन्म दिया। तो क्या ये अमीबा हमेशा के लिए अमर है क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि इसके सारे गुण जो के त्यों इन दोनों में आ गए। तो अमीबा यहां पर मरा नहीं, बल्कि मरकर भी क्या हो गया? अमर हो गया। बताया था मैंने आपको साक्षी, मरकर भी क्या हो गया? अमर। क्योंकि अलैंगिक जनन करने वाले प्राणी कभी मरते नहीं है, क्योंकि वो अपने सारे यानी 100% आनुवंशिक गुणों को संतति में देते, जो आपके नाम दे रहे हैं। बच्चों यहां पर केंद्र पर जो विभाजन हुआ, डीएनए की बात हम करें, तो क्या यहां पर किसी प्रकार का, क्या डीएनए में किसी प्रकार विभिन्नता आई? नहीं। क्यों? विभिन्नता अशुद्धि विभाजन, और यह अशुद्धि विभाजन हो नहीं रहा। तो सिंपल, मैंने इतना ज्यादा नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा लेगा, इसको मैं खत्म कर रहा हूं। देखो, यानी अलैंगिक जनन की वह विधि, यानी वह विधि, यानी अलैंगिक वह विधि जिसमें एक जनक यानी एक मात्र जनक कोशिका, मात्र जनक कोशिका, मात्र का मैं फिर बोल रहा हूं, मदर 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 मदर, मात्र जनक कोशिका दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूटकर या विभक्त हो जाए, और प्रत्येक टुकड़े या भाग से में वर्दी से नवीन संतति की उत्पत्ति हो, इस प्रकार के जनन की विधि को खंडन कहते हैं। अब यहां पर आपने क्या देखा कि जनक कोशिका या तो कितने टुकड़ों टूटेगी, कितने भागों टूटेगी? दो में, तो बोलेंगे द्विखंडन, और दो से ज्यादा हो तो बहुखंडन। तो खंडन के अंदर आपने क्या देखा, मुझे अपेक्षा तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, खंडन दो प्रकार का हो गया। एक तो कौन सा हो गया? द्विखंडन, और एक क्या हो गया? बहुखंडन, यानी मल्टीपल मल्टीपल फिशन, और ये हो गया बाइनरी बाइनरी फिशन। बच्चों समझो इसको, खंडन का अर्थ आप देख पा, परिभाषा मैं फिर रिपीट करूं और आप लिखो मेरे साथ, यू कैन सिंपल, अलैंगिक जनन की वह विधि, या समझ लिखो सिंपल, जब कोई जनक मात्र कोशिका दो या दो से अधिक खंडों में या टुकड़ों में टूटकर अलग हो जाए, और प्रत्येक टुकड़े या भाग से, एक बार जब कोई एक जनक कोशिका, जनक मात्र कोशिका, और मैं फिर कह रहा हूं जो जन्म देती है उसे हम क्या बोलते हैं? मां बोलते हैं, पेरेंट बोलते हैं। और अलैंगिक जनन कितने मदर, कितने पेरेंट्स होते हैं? एक ही होते हैं। और अभी हम देखा कितने अमीबा थे, एक अमीबा ने कितने अमीबा को जन्म दिया? दो।
तो क्या हुआ, जनन हुआ, और कौन सा जनन हुआ, एलिंगी, क्यों, बिना निषेचन के हुआ तो एलिंगी बोलेंगे। अगर वहां दो अमीबा होते और फिर वहां पर अगर निषेचन क्रिया होती तो तुम लैंगिक बोलते। तो यहां तो मैं कहीं लिख ही नहीं रहा कि नर मादा, तो लिखा ही नहीं मैंने कई बार। तो सिंपल है, जब एक जनक मात्र कोशिका दो या दो से अधिक खंडों या टुकड़ों में टूटकर विभक्त हो, विभक्त यानी टूटना। ओके बच्चों, जैसे मार ये देखो, ये मेरे पास ये है, दिख रहा है क्या डेक्स्टर? अब मैं इसको दो में तोड़ूंगा, देखो हो गए दो, अरे नहीं होंगे, मजबूत है, ठीक है। तो दो भाग में टूटे और दोनों वृद्धि करके अगर नवीन संतति बदल जाए तो उसे क्या बोलेंगे, खंडन। अगर दो में विभक्त हो तो द्विखंडन, और दो ज्यादा हो तो बहुखंडन। समझ आ गया? और मैंने बता दिया इस पर का। अब द्विखंडन का मतलब होगा इसमें क्या होगा, अभी बताया मैंने आपको, जैसे ये अमीबा एग्जाम में, इसमें एग्जाम किसके ले रहा हूं बच्चों, अमीबा के ले रहा हूं, अमीबा की, अमीबा के ले रहा हूं, दोनों में ये भी किसमें हो सकता है, अमीबा और एक बोलिए प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जानते हो कि प्लाज्मोडियम किसका रोग है मालूम है क्या? अरे प्लाज्मोडियम बताया था, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम याद है, मलेरिया का सर, याद है, मलेरिया रोग का रोगजनक है। तो प्लाज्मोडियम जनन करता, और प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कितने प्राण गुजारता है, दो में, एक तो मादा एनोफिलीज में और एक मानव में, याद है ना, याद होगा मानव में, हाँ ठीक है। yes, जीवन चक्र मैंने बताना छूट गया, बताऊंगा अभी सुनो। अब जो प्लाज्मोडियम कौन सा जनन करके अपनी वर्दी अपनी संतान पैदा करता है, खंडन, और खंडन में कौन सा, बहु, खंडन में कौन सा, बहुखंडन। अब बहु कैसे, बहुखंडन, खंडन देखो, द्विखंडन समझ वाले। अब मैंने दोनों अमीबा लिख दिया, ध्यान दो, ये अमीबा भी, देखो अमीबा भी है, अरे बैक्टीरिया, पैरामीशियम, आप लिख रहे हो ना, यस सर, ये सभी ओके। और सिंपल सी बात ओके, अब देखो इसमें ये मैंने एग्जांपल दे दी, अब इसमें इधर आओ, इधर इधर देखो, देखो द्विखंडन का क्या होगा, देखो ये कोई कौन, ये अमीबा कोशिका कितनी है, एक, इस अमीबा कोशिका से कितने अमीबा पैदा हो, दो, दो, सिंपल ओके बच्चों। तो ये द्विखंडन हो गया, और ये अमीबा अगर ये करेगा तो ये कब करेगा बच्चों, ध्यान दोगा, जब ये कौन सी कंडीशन होगा, अनुकूल में, ध्यान दो, अनुकूल परिस्थिति में अमीबा करता है द्विखंडन। और बहुखंडन कब करता है, जब समय कैसा हो, प्रतिकूल, प्रतिकूल कंडीशन में अमीबा कौन सा खंडन करेगा, बहु करेगा। और वो कैसे, देखो वो भी देख लो एक बार, दिख रहा हो तो, ये अमीबा कोशिका है, इस अमीबा कोशिका से बच्चों ध्यान दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, क्या पैदा हो, क्या बने, टुकड़े, कितने, पांच छह, अरे बने नहीं समझ आ रहा। और प्रत्येक टुकड़े में क्या, एक पुत्री केंद्रक है, और प्रत्येक टुकड़ा वर्धी करके क्या बना रहा है, एक संतति अमीबा। मुझे लगता तुम्हारे समझ नहीं आया, है समझे? जब कोई मात्र कोशिका, जब कोई जनक मात्र कोशिका दो से अधिक टुकड़ों में, पहले टुकड़े बनेंगे, फिर टुकड़े वर्धी करके किसमें बदलेंगे, संतति में, ठीक है, दो से अधिक खंडों में परिवर्तित या टूटे, और प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके एक नवीन संतति में परिवर्तित हो, इस प्रकार के खंडन को बहुखंडन कहते हैं। टाइम खराब मत करो, बहुत ज्यादा हो गया। और खंडन का प्रकार किसमें पाया जाता है, अमीबा में। पैर, अब बात आती है कि इसमें होता क्या है, सिंपली पहले क्या होगा कि जो जनक कोशिका उसका केंद्रक में विभाजन होगा, सुनना एक बार। अब तुमने बोला सर ये कैसे हुआ, तो वो समझाऊं पहले, एक बार समझ लो बहुखंडन कैसे हुआ, ये सिंपल बात है। अगर मैं आपको कहूं प्लाज्मोडियम की बात मैं करूं, अगर मैं प्लाज्मोडियम की बात करूं, चलो ठीक है ये प्लाज्मोडियम है ऐसे मान लो, और हम जानते हैं प्लाज्मोडियम ये कौन सा प्लाज्मा, और प्लाज्मोडियम की जीवन की व्यवस्था होती है साइजोमाइट स्पोरोजॉइट, याद होगा मैंने बताया था गैमेटोसाइट, अरे याद है, यस सर। प्लाज्मोडियम की जीवन में कई अवस्थाएं होती है, साइजोमाइट है, रिंग अवस्था है, रोजेट अवस्था है, गैमेट अवस्था है, स्पोरोमाइट, याद है ना, स्पोरो याद है, स्पोरोसाइट अवस्था, बीजाणु द्वारा, स्पोरोजॉइट अवस्था याद है, जिसमें प्लाज्मोडियम एक पर्व दूसरे पर्व में जाता है। तो जब प्लाज्मोडियम साइजोमाइट, कौन सी, साइजोमाइट अवस्था में होता है, तब जाकर कौन सा जनन करता है, एलिंगी। और मानव शरीर के अंदर कहां पर बच्चों,
मानव शरीर के रक्त और आरबीसी में तो करेगा कौन सा अलैंगिक, और मच्छर की आहार नाल में करेगा लैंगिक, ये बताया था मैंने आपको, थोड़ा बहुत याद आ रहा था। यस सर। तो प्लाज्मोडियम कितने प्रकार जनन करता है? दो प्रकार करता है, लैंगिक और अलैंगिक। तो अलैंगिक कब करता है? जब वो हमारे शरीर मानव शरीर की आरबीसी में रहता है। ये ध्यान दोगे, अब कैसे करेगा सुनो, क्या आपका ये कौन है, ये कौन है आपका प्लाज्मोडियम है, और ये प्लाज्मोडियम का ये केंद्रक है, सुनो एक बार ढंग से। अब होगा क्या, इस प्लाज्मोडियम का ये केंद्रक हो ना, ये केंद्रक ये क्या करेगा बच्चों, बार बार कौन विभाजन करेगा, समसूत्री। तो सर एक बार विभाजन करने से कितने कितने बन जाएंगे, दो, इस दोनों विभाजन होगा तो दो से चार, फिर चार में होगा तो आठ, आठ में होगा तो सोलह, यानी यहां पर विभाजन किस हो रहा है, इस प्लाज्मोडियम कोशिका का केंद्रक बार बार विभाजन कर रहा है। अरे yes, तो 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 प्लाज्मोडियम बहुकेंद्रीय होता है, ये इलेवन क्लास पढ़ाया था कि जब yes, किसी कोशिका, हाँ मेरे टेबल के नीचे डिब्बा रखा हुआ, सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लाज्मोडियम बहुकेंद्रीय कैसे होता है याद होगा, जब किसी कोशिका का केंद्रक बार बार विभाजन करे और कोशिका दरों का विभाजन नहीं हो, तो यहां पर ये तो बता रहा हूं कि प्लाज्मोडियम का केंद्रक विभाजन कितनी बार करे, एक बार, एक बार करेगा, तो एक समसूत्री विभाजन से, एक केंद्रक से